हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मयंक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल गोल फॉर पीएससी एजुकेशन। इस चैनल पर हमने एक सीरीज चालू कर रखी जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भी हम भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आज हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। ये कोट आपके सामने लिखा हुआ है जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे किसने कहा या किस के लिए कहा गया। तो 1935 का जब अधिनियम आया उसका कारण क्या थे, मुख्य कारण उसका माना जाता है वो साइमन कमीशन को माना जाता है। अब साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन जो 1919 का अधिनियम आया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था भारतीयों से कि ये अधिनियम या जो एक्ट हमने लाए थे 1919 का वो कितना सफल होता है, इसकी 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए कमीशन लाया जाएगा। तो वो कमीशन 10 साल बाद आना था, मतलब 1919 बाद 1929 में आना था, लेकिन वो 2 साल पहले ही आ जाता है, वो 1927 में आ जाता है, जिसे ही साइमन कमीशन कहा जाता है। अब साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में गठित किया गया, जो भारत 1928 में आया। उस समय भारत में स्थिति कैसी थी, क्योंकि देखिए मिंटो ने सांप्रदायिकता का जो बीज था वो बो दिया था, तो सभी जगह दंगे फैले हुए थे सांप्रदाय के कारण, दंगा, खून खराबा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, तो सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। दूसरा देखते हैं, इसका विरोध बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया, यानी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। विरोध का कारण यही था कि कमीशन में एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं किया गया। भाई मान लीजिए कोई भारतीयों के लिए आया है तो भारतीयों की स्थिति भारतीयों से बेहतर कौन जान सकता है, तो इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया और साइमन वापस जाओ ऐसे नारे लगाए गए, गो बैक साइमन। तो ये है साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि 1935 का अधिनियम की है, इसी पर आधारित था 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन पे। आगे देखते हैं तो क्या हो रहा था कि जो साइमन कमीशन आ रहा था उसका जगह जगह विरोध किया गया, और जगह जगह जब विरोध उसका किया जा रहा था तो लाहौर में भी लाला लाजपत राय जो बीमार थे उस समय, तो बीमार अवस्था में वो भी विरोध का मतलब जो विद्रोह हो रहा था उसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो उनके ऊपर क्या किया गया कि लाठियां बरसाई गई और उनकी क्या हो जाती है, वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं ने कहा है कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही 1935 का अधिनियम जारी किया गया। ये बताया गया है कि अब 1935 का अधिनियम जो आया उसका मुख्य कारण साइमन कमीशन ही आया। अब इसके अंतर्गत क्या फैक्ट हैं, क्या तथ्य हैं, उनको थोड़ा जानते हैं। भारत परिषद का ये अंतिम अधिनियम और सबसे बड़ा अधिनियम, भारत परिषद का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अब ये अंतिम अधिनियम था क्योंकि 1939 के बाद कोई अधिनियम, मतलब 1935 के बाद कोई अधिनियम जारी नहीं किया गया। भारत परिषद इसके बाद भंग कर दी जाती है क्योंकि उसके बाद 1939 में विद्रोह हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं द्वितीय, मतलब प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है, तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन की मांग उठाने लग जाते हैं। दूसरा इसका मुख्य कारण रहा प्रांत से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में स्थापित कर देना, जो प्रांतों में 1919 में लगाया गया था अब वो किस में लगा दिए गए, केंद्र में लगा दिए गए। दूसरा है संघीय सरकार की स्थापना करना। अब संघीय सरकार मतलब एक संघीय सरकार बना दी गई जिसमें विधान परिषद जो पहले 60 सदस्य होते थे अब वो 260 सदस्य रहेंगे, विधानसभा जिसमें 145 सदस्य होते थे अब 375 सदस्य, केंद्र में ये व्यवस्था लागू की गई, संघीय सरकार का गठन किया जिसे फेडरल कहा गया। तो आगे देखते हैं क्या है, 1935 के द्वारा ही विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। भाई पहले जो विषय थे वो मुख्य विषय और हस्तांतरित विषय थे, लेकिन अब इनको 3 अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय और संवर्ती सूची। केंद्रीय विषय के अंतर्गत 59 विषय रखे गए और प्रांतीय विषय के अंतर्गत 54 रखे गए और 36 संवर्ती सूची में रखे गए। जैसे भारतीय रेल एक केंद्रीय विषय, राजस्थान पथ परिवहन निगम कोई भी और राज्य का हुआ वो एक प्रांतीय विषय है, और दूसरा शिक्षा, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जैसे CBSE हुआ, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, मतलब केंद्रीय बना सकता है और राजस्थान स्टेट या कोई भी स्टेट हुआ बना सकता है। जैसे CBSE हुआ, RBSE हुआ, UPPSC हुआ, ऐसे जो होते हैं। तो ये थे संवर्ती सूची के विषय। आगे थोड़ा बात करें तो इस संविधान में क्या है, इस संविधान का मुख्य बातों पर ध्यान रखें, बातों पर बात की जाए। तो दूसरा था प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान करना, प्रांतों को क्या कर देगी, आप छूट दे देगी कि आप अपने स्तर पर भी कोई कानून बना सकते हैं। भाई आपको छूट है, पहले क्या होता था कि गवर्नर से सारी परमिशन ली जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया, वायसराय उसमें दखल ना देगा, प्रांतों को छूट दे दी गई। दूसरा प्रांतों में भी द्विसदन व्यवस्था की गई, जैसे राज्य परिषद और विधान परिषद दोनों किए गए, और अब इसमें प्रांतों में गवर्नर का एक पद सर्जित किया गया, जैसे राज्यपाल पद जो प्रेजेंट टाइम में भी हमारे राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो 1919
35 के अधिनियम के अंतर्गत ही क्या किया गया कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव किए गए। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 1937 में किए गए, महत्वपूर्ण है, जिसको पूरे भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया और 11 प्रांतों में ये चुनाव करवाए गए। तो 11 प्रांतों में क्या होता है कि 8 प्रांतों में तो कांग्रेस की सरकार बनती है जब चुनाव होते हैं तो, और 3 प्रांतों में कोई अलग सरकार बन जाती है, मतलब जैसे मुस्लिम लीग हुई, तो ऐसी सरकारें गठित होती हैं। तो 1937 में ये सरकार करवाए गए, विधानसभाओं के मतलब चुनाव करवाए गए, ध्यान रखें। आगे देखते हैं हमारे पास इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है। 1935 का अधिनियम पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। आगे देखें, आरबीआई की स्थापना की गई। आप जानते होंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। 1935 का जो अधिनियम आया गया, 1935 का जो अधिनियम लाया गया था जिसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, 1935 में ही आरबीआई की स्थापना की गई। दूसरा फैक्ट है, संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जैसे अभी हमारे प्रेजेंट टाइम भारत में होता है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट मतलब मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम शायद दीपक मिश्रा हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं है, शायद वही हैं। अब इसके विरुद्ध भी अगर कोई अपील करना है, भाई कोई निर्णय गलत ले लिया गया है, तो उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लोग संघीय न्यायालय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। वो अपील कहाँ पर की जा सकती थी, प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ये भी एक गठन बनाया गया था। आगे देखें, 1935 का अधिनियम जब लागू किया गया, ये सबसे बड़ा अधिनियम था। देखो इसको हम अभी तक परिवर्तन नहीं कर सके, क्योंकि जितना बड़ा अधिनियम था तो कम से कम आधे से दो तिहाई भाग हमने इसका ऑब्जर्व कर लिया। जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम संविधान है, आधा भाग दो तिहाई भाग तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। जब ये जारी किया गया था 1935 अधिनियम, तो उसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थीं और 14 भाग थे। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में 448 हमारे पास अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये है 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे देखें तो एक चीज़ और है मेरे पास, देखते हैं, शेयर आप इसे ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, शेयर ज़रूर करें ताकि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं जिसे इसकी ज़रूरत है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं कि बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ पाएँ या उनको इतने अच्छे टॉपिक मिल पाएँ, अच्छा उनको स्टडी माहौल मिल पाए। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक ब्रिज बन जाइए मेरे और उन बच्चों तक पहुंचने के लिए, मेरी मदद कीजिए कि एक ब्रिज बनकर, एक ब्रिज के रूप में मैं उनसे पहुंच सकूं। तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए शेयरिंग से चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे शिक्षा हुआ, आप एजुकेशन करते हैं, आप शिक्षा करते शेयरिंग करते जाओगे तो बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं मेरे भाई। वो धन होता है जो घट जाता है, लेकिन शिक्षा नहीं घटती है। और उन बच्चों से आपको थैंक्स भी मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा, जो आपकी तरक्की में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। भाई देखिए दुआ एक ही बार मिलती है, तो वो दुआ आपको ज़रूर से ज़रूर प्रभाव डालती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यह उम्मीद यही करता हूँ कि आप इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और आपके सुनहरे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। शेयर ज़रूर करें, आपके पास कई सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, कई ऐसे कॉन्टैक्ट जो गरीब बच्चों के होते हैं, शायद उन्हें आपसे लाभ मिले और आपका एक छोटा सा कदम उनके लिए नींव का पत्थर साबित हो जाए। थैंक यू, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, शेयर करें। एक कोट और मुझे याद आया, अभी तुरंत याद आया, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था, इसे दास्ता घोषणा पत्र कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 का जो अधिनियम है, इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा गया है। धन्यवाद आपको बताना।